राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर रेडियो पत्रिका बाल प्रभा। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं कार्यक्रम पत्र। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में हमारे देश के महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसमें वे आजीवन देश सेवा का व्रत लेने वाले देशभक्तों को ही सम्मिलित करना चाहते थे। इसके लिए गोखले जी ने राजेंद्र प्रसाद को भी निमंत्रण दिया। राजेंद्र बाबू उन दिनों वकालत कर रहे थे, उन्हीं की आय से घर का खर्चा चलता था। ऐसे समय में बड़े भाई की सहमति के बिना वे गोखले जी के साथ कार्य नहीं कर सकते थे। उनकी सहमति के लिए ही राजेंद्र बाबू ने ये पत्र अपने बड़े भाई को लिखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। पूज्य भैया, सादर प्रणाम। आपको याद होगा कि करीब 20 दिन पहले मैं माननीय गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलने गया था। उन्होंने मेरे सामने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। काफी सोच विचार के बाद मैं सोचता हूं कि मेरे लिए उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना अच्छा होगा। मैं जानता हूं इस बात से आपके हृदय को भारी धक्का लगेगा, क्योंकि परिवार की सारी आशाएं मुझ पर टिकी हैं। लेकिन भैया, इस समय मैं एक महान कार्य करने की पुकार अपने हृदय में महसूस कर रहा हूं। श्रीमान गोखले की सोसाइटी में सम्मिलित होना मेरे लिए कोई व्यक्तिगत त्याग की बात नहीं है। सोसाइटी से जो कुछ मुझे मिलेगा वही मेरे लिए काफी होगा। मैं जानता हूं कि यदि मैं कमाऊं तो कुछ रुपया हासिल कर सकूंगा। शायद इसके लिए समाज में अपने परिवार का दर्जा भी ऊंचा करने में समर्थ होऊंगा, जहां लोग अपने विशाल हृदय के कारण नहीं बल्कि धन के कारण गिने जाते हैं। इस संसार में लोग जितने धनी होते जाते हैं उतनी ही उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। वे सोचते हैं कि धन पाकर वे सुखी होंगे, परंतु सुख तो हृदय से अनुभव किया जाता है। एक गरीब आदमी अधिक संतुष्ट रहता है बजाय उस अमीर आदमी के जिसके पास लाखों रुपए होते हैं। दुनिया के अनेक महापुरुष पहले दरिद्र ही रहे हैं। भैया, आप विश्वास रखें, मेरे जीवन में यदि कोई महत्वाकांक्षा है तो यही कि मैं देश सेवा के काम आ सकूं। आपने ही तो सबसे पहले इन सुंदर भावों को, इन उच्च विचारों को मेरे मन में रोपित किया था। आज जो मार्ग मैं पकड़ना चाहता हूं उस पर चलने में आप साहस कर अपनी सहमति दें। आपकी सहमति के बिना मैं जीवन में कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाऊंगा। हम लोगों का प्रेम ऐसा है कि जीवन में कुछ असुविधाओं और तकलीफों के कारण उसमें कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि मेरा विश्वास है कि वो अधिक सुदृढ़ होगा।
गोखले जी के समान प्रभाव, पद या मर्यादा किसे प्राप्त है? और क्या वे एक गरीब आदमी नहीं हैं? क्या हम लोग उनके परिवार से भी ज्यादा गरीब हैं? अगर लाखों व्यक्ति 2 या 3 रुपए महीने से काम चला लेते हैं, तो हम लोग भला 100 रुपए से क्यों नहीं चला सकते? आप इस बात पर विचार करें और अपनी राय मुझे बताएं। आप ये दिखला दें कि आज भी दुनिया में उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं जिनके लिए रुपए पैसे तुच्छ वस्तु हैं और सेवा ही सब कुछ है। आपका भाई राजेंद्र। पत्र। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, विषय संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार अखिल मित्तल, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।